अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियोग्राफ फॉर थिंकिंग। आज का टॉपिक है मैप प्रोजेक्शन और उसके टाइप्स के बारे में। इस टॉपिक में मैं मैप प्रोजेक्शन की जो थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसके बारे में बताऊंगी, और उसकी एलिमेंट्स के बारे में, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और फिर हम उसकी टाइप जो है वो कॉनिकल प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल और जेनिथल जो प्रोजेक्शन है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत टाइम तक जो कार्टोग्राफर थे उनके लिए ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था कि हम एक स्फेरिकल सरफेस को या ग्लोब को एक प्लेन शीट के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ताकि कम से कम डिस्टॉर्शन भी हो, जो शेप वगैरह है कॉन्टिनेंट की वो अच्छे से रिप्रेजेंट हो। तो इस सोल्यूशन को उन्होंने इस तरह किया कि मैप प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट किया। मैप प्रोजेक्शन का मतलब ही यही है कि आपने मैप को, मींस के मैप को आपने एक प्लेन शीट के ऊपर कन्वर्ट करना है। आप मैप प्रोजेक्शन को इस तरह भी कह सकते हैं कि 3D सरफेस को आपने 2D सरफेस में चेंज करना है, और इसको मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री थी। तो आगे मैप प्रोजेक्शन जो है एक्चुअल में इसका मतलब ही यही है कि आपने ट्रांसफॉर्मेट करना है अर्थ सरफेस को उसकी फ्लैट सरफेस के ऊपर। हमेशा उसमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शन वगैरह आती है उसके साइज़ में, शेप में, या लोकेशन के लिहाज से, क्योंकि कोई भी आप ये देखें कि मैप प्रोजेक्शन है वो परफेक्ट नहीं होती, तो उसमें कोई ना कोई कमी पेशी ज़रूर होती है। मैप प्रोजेक्शन की हम डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक या ऑर्डरली ड्राइंग ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड फ्रॉम द ग्लोब। ग्लोब से आपने पैरेलल और लॉन्गिट्यूड को आपने जब प्लेन शीट के ऊपर एक ग्रिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। इसके लिए मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लैटिट्यूड जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ग्लोब के ऊपर उनको कहा जाता है, और मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड जो हैं वर्टिकल्स लाइंस हैं उनको कहा जाता है। एलिमेंट्स ऑफ मैप में सबसे पहले स्केल्स हैं, पैरेलल है, मेरिडियंस हैं, और ग्लोबल प्रॉपर्टीज हैं। तो स्केल जो है, स्केल का मतलब है रिड्यूस ऑफ द अर्थ, कि आपको एक्चुअल में जो अर्थ सर्फेस है उसको आपने रिड्यूस करके आपने अपनी शीट के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। एक्चुअल में ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप इतनी बड़ी ज़मीन जो है, मीन्स के ज़्यादा एरिया है, आप उसको उसी एरिया के मुताबिक आप शीट के ऊपर कन्वर्ट कर दें, ऐसा नामुमकिन है। तो एक छोटी सी पेपर के ऊपर जब आपने लार्ज एरिया को रिप्रेजेंट करना है तो आपको उस अर्थ को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके लिए ये है कि आपका एक एरिया जो कि एक्चुअल में 100 किलोमीटर तक है, तो जब आपने उसको अपनी शीट के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो आप 1 किलोमीटर या 1 इंचेस जो है 1 इंचेस आप लिख सकते हैं। तो आसान में मेंशन करेंगे कि 1 इंचेस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम स्केल कहते हैं। आगे पैरेलल और मेरिडियम, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ना उनको कहा जाता है पैरेलल, और जो वर्टिकल लाइंस हैं जो आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हुई दिखाई देंगी उनको हम मेरिडियन कहते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइंस है, एक्चुअल में ये आपको जमीन पे नज़र नहीं आएंगे, ये वैसे ही जो जियोग्राफर थे उन्होंने अपनी आसानी के लिए, मींस के लोकेशन वगैरह को ठीक तरह समझने के लिए इनको एक इमेजिनरी लाइन के तौर पे बताया है। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैप प्रोजेक्शन, इसमें स्केल आता है, स्केल में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एरिया जो है, एरिया में ये है कि मैप जो है वो एरियाज़ को पोर्ट्रे करता है और उसकी प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप को दिखाता है अर्थ के एरियाज़ के साथ, और रिप्रेजेंट करता है। और इस तरह के जो मैप होंगे वो इक्वल एरिया के लिहाज से होंगे, मींस के जितना आपका एक्चुअल एरिया है उसकी प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो पेपर के मुताबिक हम दिखाएंगे, तो वो इक्वल एरिया लाएगी। अगर आप शेप को देखें तो शेप इज़ प्रिजर्व लोकली, तो लोकल लेवल पे भी हम शेप को बता सकते हैं। जब तमाम जितना भी एरिया है मैप के ऊपर वो एक ही तरह की शेप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही तरह का स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरह हम मैप प्रोजेक्शन पे जो है वो दिखा सकते हैं। तो इस तरह की जो मेरिडियंस हैं, पैरेलल्स हैं, तो जब हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे राइट एंगल के साथ, वो राइट एंगल के साथ आपस में मेरिडियम और जो लैटिट्यूड है वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो उनको हम कन्फॉर्मल या ऑर्थोमॉर्फिक जो है वो प्रोजेक्शन कहेंगे। आगे डिस्टेंस को देखते हैं, डिस्टेंस जो है मैप प्रोजेक्शन कैन बी प्रिजर्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्शन टू ऑल अदर प्लेसेस ऑन द मैप, कि जितने भी आपके प्रोजेक्शन पे डिस्टेंस है वो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन पे वो एक ही प्लेसेस के साथ वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह के जो मैप प्रोजेक्शन है उनको हम इक्वी डिस्टेंस कहा जाता है, उनको इक्वी डिस्टेंस प्रोजेक्शन भी कहा जाता है। आगे डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है मैप प्रोजेक्शन की प्रिजर्व करती है एज ए मुथल की तरह, कि आप इक्वल पॉइंट्स जो होंगे, ये ज़्यादातर जो जेनिथल प्रोजेक्शन है उनके लिए प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती है, क्योंकि अगर आप इक्वी सिलेंड्रिकल या कॉनिकल प्रोजेक्शन देख लें उससे जो हमारा नॉर्थ और साउथ पार्ट ऑफ द अर्थ है वो ठीक तरह रिप्रेजेंट नहीं हो पाता, तो इस तरह के करने के लिए आपको ना एक अलग टाइप का प्रोजेक्शन की जरूरत होती है जिसको सेंथिल कहा जाता है, ताकि इक्वल जो पॉइंट्स है ना नॉर्थ और साउथ को वो आपको दिखा सके। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन को समझने के लिए मैंने इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो उसको आप सबसे पहले देखें। ड्राइंग सर्फेस के लिहाज से हमने प्रोजेक्शन को डिवाइड किया है आगे परस्पेक्टिव, नॉन परस्पेक्टिव और मैथमेटिकल। परस्पेक्टिव में आता है कि जब आपकी
ग्लोब में एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, ऐसी प्लेस जहाँ पे आपको सोर्स ऑफ लाइट मौजूद हो उसको हम पर्सपेक्टिव कहा जाता है। नॉन पर्सपेक्टिव में ये है कि इसमें आपको सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत नहीं होती, तो आप बिना सोर्स ऑफ लाइट के अपनी प्रोजेक्शन बना सकते हैं। मैथमेटिकल में ये होता है कि आपने मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस माइनस वगैरह इस तरह करने के बाद मैथमेटिकली आपने मेजरमेंट करके ना तो वो अपनी प्रोजेक्शन बनानी होती है। डेवलपेबल में ये है कि सिलेंड्रिकल आता है, कॉनिकल आता है, जेनिथल आता है, जो इसी लेक्चर में डिस्कस करूँगी। नॉन डेवलपेबल प्रोजेक्शन में ये है कि ग्लोब जो है हम उसको एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं ड्रॉ कर सकते, तो उसके लिए हम शीट की हेल्प लेते हैं। तो शीट की हेल्प लेने की वजह से हमें फिर डेवलपेबल जो प्रोजेक्शन है वो बनानी पड़ती है। तो नॉन डेवलपेबल में आप ये देखें कि ग्लोब जो है उसकी एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख लें कि जो ग्लोब है वो क्या है, नॉन डेवलपेबल, जिसे आप ठीक एक्यूरेसी के साथ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते शीट के ऊपर। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन ये है कि सोर्स ऑफ लाइट, अगर तो सोर्स ऑफ लाइट आपको अवेलेबल है, सोर्स ऑफ लाइट की प्लेसमेंट मीन्स कि उसकी डायरेक्शन और प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आगे उन्होंने डिवाइड किया है, जिसे नमोनिक है और स्टीरोग्राफिक है, ऑर्थोग्राफिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक में भी कि अगर ये दरमियान में सोर्स ऑफ लाइट है तो उसी लिहाज से जो आपकी प्रोजेक्शन बनेगी नमोनिक कहा जाता है, और तो अगर आपके नीचे आप रख दो साउथ या नॉर्थ पार्ट के ऊपर अगर आप अपनी सोर्स ऑफ लाइट रख दो तो उससे जो प्रोजेक्शन बनेगी उसको स्टीरोग्राफिक कहा जाता है। आगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन में देखते हैं। टाइप ऑफ प्रोजेक्शन में ये सबसे पहले सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, कॉनिकल है, एजीमुथल है, ओवल प्रोजेक्शन है। इस लेक्चर में सब ये इन जो बेसिक तीन प्रोजेक्शन है मैं उनको डिस्कस करूँगी। सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में आप ये देख लें कि आपने कोई भी प्लेन शीट ऑफ पेपर लेना है, उस प्लेन शीट ऑफ पेपर को आपने ग्लोब के ऊपर ना एज अ सिलेंडर की फॉर्म में उसको ना आपने रैप कर देना है, लपेट देना है। तो उससे आप ये देखें कि जब आप दरमियान में सोर्स ऑफ लाइट भी रखेंगे ग्लोब के अंदर तो आपको एक ना ग्रिड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ग्रिड किसका, पैरेलल का और मेरिडियन का, आप उसी तरह उनको ड्रॉ करेंगे तो इससे आपको जो आपकी जो प्रोजेक्शन बनेगी उसको सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन कहा जाता है। यहाँ पे भी आप देखें कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट रखा है, जिसकी वजह से जो आप यहाँ पे इक्वेटोरियल जो हमारे एरियाज हैं उनको बहुत अच्छी तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पिक में भी आप देख सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पिक मैंने ऐड की है, तो इससे भी आपको पता चल गया होगा। आगे कॉनिक प्रोजेक्शन में ये है कि कॉनिक प्रोजेक्शन जो है वो ज़्यादातर कोन की फॉर्म में क्रिएट की जाती है, कि आपने कोई भी पेपर लेना है उसको कोन टाइप आपने रैप करना है और रैप करने के बाद आपने ग्लोब के ऊपर रख देना है। ऊपर रखने से क्या होगा कि उसका जो पैरेलल और जो मेरिडियंस हैं जो ग्लोब के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं उनको आपने वैसे ही ड्रॉ कर लेना है, और ड्रॉ करने से जो प्रोजेक्शन बनेगी वो आपके कॉनिकल प्रोजेक्शन होगी। तो ये फर्स्ट टाइम जो जिस पर्सन ने इसको अप्लाई किया था उसका नाम जो हैंस था, 1507 में इसको उसने रिप्रेजेंट किया था। इस वीक में भी आप देख सकते हैं किस तरह कॉनिकल प्रोजेक्शन है, और ये कॉनिकल प्रोजेक्शन आपने याद रखना है कि ये और कॉनिकल प्रोजेक्शन जो है जब हमारे ग्लोब के ऊपर मिड लैटिट्यूड एरियाज़ हैं उनके लिए ये बेस्ट सूटेड है। एज मतलब प्रोजेक्शन में ये है कि ये हमारे नॉर्थ और साउथ पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट है। तो इसके बनाने का यही तरीका है कि आपने नॉर्थ या साउथ पार्ट के ऊपर एक प्लेन पेपर जो है उसको रख देना है, और जो नीचे वाला पार्ट होगा उसका अपोजिट है वहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट रख देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोजेक्शन बनेगी वो एज मतलब प्रोजेक्शन होगी, और इसी में आपका जो नोमोनिक प्रोजेक्शन वो आ जाता है, स्टीरोग्राफिक में इसी में आ जाता है, ऑर्थोग्राफिक भी इसी पे ही आ जाता है। ये डिपेंड करता है आपने शीट को किस हिसाब से रखा हुआ है, तो जिस हिसाब से आप शीट को रखेंगे उसी हिसाब से क्या होगा आपकी प्रोजेक्शन जो है वो बनेगी। यहाँ पे हम देखें नमोनिक में ये है कि शीट ऑफ पेपर कहाँ पे है और सोर्स ऑफ लाइट जो है वो मिड में है, स्टीरोग्राफिक में सोर्स ऑफ लाइट जो है वो आपके अपोजिट पोल के ऊपर है, और ऑर्थोग्राफिक में ये है कि जो लाइट है वो आपकी तीनों पार्ट्स के ऊपर इक्वल साइड के ऊपर जो है वो जा रही है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इसको बनाने का तरीका भी बताऊँ या कोई और टॉपिक आपको समझाऊँ या किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर सजेस्ट करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज की वीडियो देखने का। उसके अलावा ये है कि बहुत टाइम हो गया है, थोड़ी सी बिजी शेड्यूल है जिसकी वजह से जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, तो आप फिर भी मुझे कोई ना कोई अगर आपको टॉपिक की ज़रूरत है तो मैं आपके लिए टाइम निकाल के वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी अपने बिजी शेड्यूल में से। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा।